चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज अब बदलने लगा है। अचानक आई मौसम में तब्दीली से लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों में देर रात हुई बारिश से लोगों को काफी राहत मिली। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक रीवा, ग्वालियर, चंबल संभाग, दमोह, सागर जैसे जिलों में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। हालांकि अब रायपुर, भोपाल समेत कई जिलों में और हमारी संवाददाता जुड़ गए हैं यश खरे कटनी से और शिवम मिश्रा रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, आपका ही मैं रुक करना चाहूंगी, अभी फिलहाल कैसा मौसम देखने को मिल रहा है रायपुर में? हाँ बिल्कुल अंजलि, देखिए छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ मध्य छत्तीसगढ़ में जहाँ भीषण गर्मी देखने को मिल रही है, तो वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जो है हल्की बारिश और तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर राजधानी रायपुर की ही बात की जाए बीते कुछ दिनों की, तो लगातार देखने को मिलता है कि सुबह से दोपहर तक का मौसम जो है वो भीषण गर्मी और उमस भरा रहता था, लेकिन देर शाम आते ही बादल छा जाते थे और बूंदाबांदी भी होती थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब देर शाम से रात तक बारिशें हो रही है, तो इससे निश्चित ही दिन के तापमान में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। जिस समय जो छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर का तापमान 40 से 44 डिग्री रहता था, वो अब गिर के 40 से 41 डिग्री आ गया। और अगर मौसम वैज्ञानिकों की बात की जाए, लेकिन इस बार तापमान में तब्दीली के चलते सड़कों पर कैसे हालात है, मैं चाहूंगी एक बार कैमरा घुमा के आप दिखवा दीजिए शिवम। बिल्कुल अंजलि, देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं और इस वक्त हम आपको सड़कें दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रही है सड़कों में, लेकिन जिस तरीके से देखने को मिलता था कि मई के शुरुआती समय में पहले सप्ताह में जो एक सड़कें खाली रहती थी सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 4 से 5 बजे तक, लेकिन अब कुछ लोग आते जाते दिख रहे हैं, लोग अपने काम पर लौट रहे हैं। और उसकी मुख्य वजह इसकी यही है कि जो देर रात और शाम तक जो बारिशें हो रही है, उसके चलते 12 से 1 बजे तक का जो समय है उस वक्त मौसम काफी ज्यादा ठंडा नजर आता है। जी बिल्कुल, और अब तो मौसम विभाग ने यह भी आशंका जताई है कि आने वाले कुछ दिनों में हल्की बारिश भी हो सकती है। यश, आपके पास मैं आना चाहूंगी और मैं चाहूंगी तस्वीरों के माध्यम से आप बताने की कोशिश करिए कि इस समय कटनी के क्या हालात हैं, कैसा मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है और कितनी तब्दीली मौसम में। बिल्कुल, अगर अंजलि हम बात करें तो कटनी का जो तापमान है वो कुछ दिनों पहले 47 डिग्री टेम्परेचर तक गया है, लेकिन उसके बाद कल रात में देर तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है गर्मी में। तो वहीं अगर बात करें तो सुबह ही कल तापमान की गिरावट आने लगी थी, बादल छा गए थे, मौसम विभाग ने तेज बारिश का अनुमान दिया था, लेकिन जिस तरह से कल रात में तेज बारिश हुई है उससे कई जगह ऐसी स्थिति आ गई है कि जो पावर कट है वह भी करना पड़ा है प्रशासन को, जिससे कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर आज सुबह की बात करें तो आज सुबह से ही जो तापमान है वह फिर से बादली छा गई है और जो अभी का तापमान बताया जा रहा है वो लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। लगभग जो लोग हैं यहाँ के वह काफी गर्मी से राहत मिल रही है लोगों को, क्योंकि इस क्षेत्र में जो लगातार तापमान है वह गिरते जा रहा है और जो लोगों को धूप और लू से परेशानी होती थी अब वह कम हो गई। जो लोग हैं वह आज जैसे रविवार का दिन है तो बड़े ही खुश नसीब हैं, तो यहाँ से सुबह से ही जो लोग हैं वह घूमने निकल रहे हैं, क्योंकि जो मौसम है कटनी का वह बड़ा अच्छा बताया जा रहा है। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन शिवम किसानों की अगर हम बात करें तो किसानों के लिए ये जो मौसम है कितनी राहत लेकर आई है या किसानों को थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा इस बारिश की वजह से? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से किसानों के लिए ये मौसम जो है कहीं ना कहीं राहत की खबर जरूर है, क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी और इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि मानसून काफी ज्यादा लेट से आएगा, क्योंकि मई जून के महीने में एक गर्मी का वक्त होता और इस वक्त भीषण गर्मी पड़ना यानी कि फसल में कहीं ना कहीं नुकसान देखने को मिल रहा था और किसानों को अपने खेत में काफी ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ रही थी अन्य माह के मुकाबले। लेकिन अब जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे मौसम में बदलाव आ रहे हैं, देर शाम हल्की बूंदाबांदी होती है और सुबह के वक्त जो है हल्के फुल्के बादल छाए रहते, तो निश्चित ही एक जो किसानों के लिए राहत भरी खबर है और एक मानसून की भी जो संभावनाएं हैं वो मौसम वैज्ञानिकों ने जल्दी आने की संभावनाएं जताई है। छत्तीसगढ़ में करीबन 10 जून तक मानसून आ जाएगा और राजधानी रायपुर के आसपास के इलाकों में 15 जून तक मानसून जो है वो दस्तक दे देगा, तो निश्चित ही किसानों के लिए भी एक राहत भरी खबर ये सुनने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी कि अब यहाँ पर रायपुर वासियों की अगर हम बात करें या छत्तीसगढ़ वासियों की बात करें शिवम, तो मानसून के लिए थोड़ा ज्यादा
ज्यादा इंतजार उनको नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यश, चूंकि आपने कहा कि ओलावृष्टि भी हुई, हालांकि तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है जैसा कि आपने बताया, लेकिन ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि से किसानों को क्या नुकसान झेलना पड़ा फसलों में? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है, क्योंकि जो किसान हैं वह उम्मीद करते हैं कि जून 15 जून के बाद से जो बारिश होती है वह मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में चालू होती है। लेकिन जिस तरह से अभी मई में ही बारिश हुई और बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि होने के साथ साथ उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंचा है, जिसकी शिकायत लेके वह आला अधिकारियों के पास भी पहुंचे हैं कि उनकी नुकसान की भरपाई हो पाए। तो ऐसे में समझ में आ रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों पर और कटनी के कई क्षेत्रों पर ओलावृष्टि हुई है, उससे किसानों को काफी नुकसान है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, एक तरफ तो मौसम की मार तो पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ थोड़ी सी राहत जनता को मिली है इस उमस भरी गर्मी से। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए।